हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और इसके पीछे के मॉडल के पीछे के जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ 32 क्वेश्चंस ही कवर किए हैं और इस वीडियो में हम लोग बैलेंस क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग बिल्कुल पहले जाके वो वीडियो को कंप्लीट कीजिए। मैंने ऊपर कार्ड में आई बटन जहां पे है वहां पे आप क्लिक करके पहले का वीडियो चेक कर सकते हो, राइट? तो अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग इस वीडियो में बैलेंस क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, कमेंट में मैंने एक कमेंट पिन किया है जिसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस का टाइम स्टैम्प ऑलरेडी ऐड किया है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो क्वेश्चन पे डायरेक्टली जाके उस पार्ट को चेक कर सकते हो, राइट? तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग डायरेक्टली आएंगे अब 33rd क्वेश्चन पे और हम लोग इस क्वेश्चन से देखते हैं यहां पे एग्जैक्टली इसका क्या आंसर आ सकता है। ओके, यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमिनेंट ऑफ द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, मतलब बच्चों बहुत सिंपल चीज है, फर्म्स कॉस्ट फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। देखो बच्चों, हर एक फर्म को बिजनेस करने के लिए खर्चा करना जरूरी होता है, ठीक है? तो खर्चे जो है वो इनमें से कौन सी चीज पे डिपेंड नहीं करते, करेक्ट? सबसे फर्स्ट लिखा है प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चों प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा फर्म का कॉस्ट भी उतना ज्यादा फर्म को इनकर करना पड़ेगा, ठीक है? जाहिर सी बात है, अगर मैं मेरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो मेरे को खर्चा भी ज्यादा लगेगा, राइट? प्राइस ऑफ लेबर, अगर सपोज लेबर ज्यादा वेजेस चार्ज कर रहा है तो ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, करेक्ट? टैक्सेस अगर ज्यादा होंगे तो अगेन कॉस्टिंग मेरा बढ़ जाएगा, सही बात है? तो ये ए बी और सी तीनों भी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है? बट डी वाले पॉइंट पे वो डिपेंड नहीं करेगा। डी वाला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, द प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट। प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट मतलब सेलिंग प्राइस। बच्चों सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है? सेलिंग प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है? इसका फर्म के कॉस्ट फंक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता है, राइट? सिंपल सी चीज है, अगर मान के चलो मार्केट में मेरी चीज का सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज, इससे मेरे चीज को बनाने का खर्चा कितना होगा ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, राइट? तो यहाँ पे ये चीज आपको दिमाग में रखनी है और इसके हिसाब से इसका आंसर है स्मॉल डी। विल कंफर्म दिस आंसर, 33rd का आंसर है स्मॉल डी, ठीक है? 33rd का आंसर है स्मॉल डी, जी हाँ बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट कंसर्निंग द रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द फर्म्स कॉस्ट फंक्शंस। तो यहाँ पे अपने को सही फॉर्मूला चूज करना है बच्चों, वेरी वेरी सिंपल। आपको मैं फॉर्मूला वैसे बता दूं, देखो टोटल कॉस्ट जो होता है, ठीक है, फर्म का जो टोटल कॉस्ट होता है ना, इसमें एक होता है फिक्स्ड कंपोनेंट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा होता है वेरिएबल कंपोनेंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला जो है यूज करके हमें सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि टीसी इज टीएफसी प्लस टीवीसी, यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन टीवीसी इज इक्वल टू टीएफसी माइनस टीसी, ये भी गलत हो गया है, टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी आना चाहिए था, राइट? थर्ड ऑप्शन ये क्या है, टीएफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी, ये सही है, करेक्ट? फिक्स कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो हम लोग टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर हटा देंगे तो हम लोगों को फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज टोटल कॉस्ट जो है ये दोनों का एडिशन जो है वो करके आता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सी, विल कंफर्म दिस एज वेल, 34th का आंसर है सी, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ओके, यस, सपोज आउटपुट इंक्रीजेस इन शॉर्ट रन, ठीक है? शॉर्ट रन में अगर आउटपुट बढ़ता है तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट विल। बच्चों देखो अगर शॉर्ट रन है तो आपको एक चीज मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, शॉर्ट रन में हमारे फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होता है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता है, सही बात है ना? टोटल कॉस्ट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे इसका नेचर है ये प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है? दिस विल नॉट बी चेंजिंग विद प्रोडक्शन। और वेरिएबल कॉस्ट ये क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना ये आपके प्रोडक्शन के हिसाब से ये चेंज होता है, प्रोडक्शन ज्यादा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगा। तो ये क्या लिखा है, अगर आउटपुट बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, फिक्स्ड और वेरिएबल के एडिशन से। भले ही फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है बट क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है इसलिए टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है। बी इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली,
ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सी वाला पढ़ लेते हैं वैसे हम लोग, इंक्रीज इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये गलत हो गया क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट है, राइट। और डी क्या निकाला, डिक्रीज इफ द फर्म इज इन द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिक्रीज तो होगा ही नहीं क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, करेक्ट। तो ये भी गलत हो गया, तो इसका सही आंसर है स्मॉल बी, विल कंफर्म दिस, 35th का आंसर है स्मॉल बी, जी हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते, अगला क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा गया है, 36th, ओके। Which of the following statements concerning the long run average cost curve is false? ठीक है बच्चों, long run average cost curve मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो ये long run average cost curve जो ना, ठीक है, ये मॉड्यूल में किस तरीके से ड्रॉ किया है, देखो मैंने ये वैसे बताया था इसके पहले की वीडियो में, छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। ये जो कर्व है ना इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, राइट। बच्चों एक काम हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना इसको हम लोग सही तरीके से सॉल्व करेंगे बट मॉड्यूल को सामने रख के, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली मॉड्यूल में एलएसी किस तरीके से प्रेजेंट किया है, ओके। सो यस, दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, मॉड्यूल में इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, बराबर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एलएसी कैसे निकला, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है एसएससी 1 एसएससी 2 इनको हम लोग अगर एनवेलप करेंगे तो एलएसी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है हमें उसे चूज करना है, ठीक है। पढ़कर देखते ऑप्शन को, स्मॉल ए, इट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट, दिस इज ट्रू, ठीक है। ये ट्रू कैसे हो गया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों ये एलएसी जो है ना, एलएसी हमें ये बताता है कि हर एक लेवल पे मैं कैसे अपना खर्चा कम से कम कर सकता हूँ। एग्जाम्पल सपोज मेरे को OM इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहां पे मेरे को F ये लेवल मिलेगा जहां पे मेरा कॉस्ट सबसे कम आएगा, मैं वो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को चूज करूंगा, सही बात है। तो उस हिसाब से मैं मेरे प्रोडक्शन के हिसाब से मेरे कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा यूजिंग एलएसी, राइट, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्रू है। सेकंड देखते क्या लिखा है, इट इज डिराइव फ्रॉम सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, ये भी सही है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि कितने सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से हम लोग एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को डिराइव कर रहे हैं, इसलिए एलएसी को हम लोग एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, एनवेलप कर्व, ठीक है। व्हाई एनवेलप कर्व, क्योंकि ये छोटे छोटे एसएसी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को हम लोग कलेक्ट करके एलएसी बनाते हैं, सही है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, दिस इज ट्रू, ठीक है, हमें फॉल्स चूज करना, ओके। अच्छा, द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट्स द लीस्ट कॉस्ट प्लान साइज फॉर ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स क्यों है, ठीक है। बच्चों देखो यहां पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखो ये क्या बोल रहे हैं पता है क्या, ये एलएसी का जो मिनिमम पॉइंट है, एलएसी का मिनिमम पॉइंट आपको यहाँ की ये पॉइंट पी दिखाई देगा, ठीक है। यहां से हम लोग जो आउटपुट बनाएंगे वो क्या है, ठीक है, हम लोग आउटपुट जो बनाएंगे वो है OQ, सही है, ठीक है। बच्चों ये OQ जो है ना, ये एक्चुअली ये हर एक लेवल का हमें आउटपुट नहीं बताता है, पॉइंट पी से हम लोग जो OQ लेवल जो यहाँ पे आउटपुट का प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ठीक है, दिस इज द बेस्ट लेवल। बट अगर मेरे को OM इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, मेरा कॉस्ट जो है ना यहाँ पे पी पे नहीं आएगा, यहाँ पे एफ पे आएगा, सही है। वैसे ही मेरे को अगर ON इतना प्रोड्यूस करना है, सपोज मेरे को ON इतना प्रोड्यूस करना है तो मैं पॉइंट K चूज करूंगा, OV प्रोड्यूस करना है तो मैं पॉइंट H चूज करूंगा, तो यहां पे जो दिया है वो गलत क्यों हो गया, क्योंकि देखो आप लोग ये पढ़ के समझ सकते हो, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एट मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मतलब पॉइंट पी, ठीक है। यहां कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट पी होगा, पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स लीस्ट कॉस्ट प्लान साइज फॉर ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, दिस इज ओनली फॉर OQ लेवल, ठीक है, only for OQ, ठीक है। तो सिर्फ OQ के लिए ये पॉइंट बेस्ट है, बाकी हर एक पॉइंट के लिए हमें अलग पॉइंट चूज करना होगा, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके समझ में आएंगे कि एग्जैक्टली मैं कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करूं। सो उस हिसाब से यहाँ पे ये फॉल्स है बच्चों, और हम लोगों को फॉल्स वाला ऑप्शन ही चूज करना था, तो ये अपना सही आंसर है। डी वाला पॉइंट वैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, एज आउटपुट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड By the firm increases along the curve. बिल्कुल सही है, जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा तो
तो मेरे को और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ये बिल्कुल सही है, तो कॉमन सेंस है, राइट। 36 का आंसर इसलिए सी बिकॉज दिस इज फॉल्स, हमें फॉल्स वाला ही ऑप्शन चूज करना था। 36 वाला आंसर है सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ के देखते हैं यहां एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। 37th क्वेश्चन, ओके। द नेगेटिवली स्लोप्ड फॉलिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों अब आपको दो तीन बेसिक चीज में बताता हूं, ठीक है। देखो एल ए सी जो है ये इस तरीके से आता है, दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, अभी मैंने आपको बताया था दिस इज एल ए सी, सही है। अच्छा लॉन्ग रन बोलते ही आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा लॉन्ग रन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। देखो दो लॉज है बच्चों, ठीक है। एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, ठीक है, और लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, देखो यहां लिखता हूं, लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होगा, रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होगा, सही बात है, ठीक है। और बच्चों ये देखो ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को पहले नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ आएगा। बच्चों अभी देखो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे मैं प्रॉपरली आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, ओके, यस। ये देखो जब भी एलएसी नीचे आता है, ठीक है, जब भी एलएसी गिरता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों कॉस्ट जितना कम होगा उतना बिजनेसमैन के लिए अच्छा होगा, ठीक है। हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हर एक प्रोड्यूसर का, हर एक बिजनेस, हर एक एंटरप्रेन्योर का मेन मकसद क्या होना चाहिए, कॉस्ट कम से कम रहे, राइट। तो जब भी एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे गिरेगा तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितना कम कॉस्ट उतना अच्छा, यहाँ पे उतनी अच्छी न्यूज होंगी ये बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। अच्छा बच्चों अब एक चीज और, अगर सपोज मान के चलो एलएसी अगर बढ़ता है मतलब कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, अगर आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ऊपर जा रहा है मतलब आपका खर्चा बढ़ रहा है, और अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अब मैं आपको मेन चीज यहां एक्सप्लेन करता हूं, ऐसा क्यों होता है कि पहले आपका एलएसी नीचे आएगा और बाद में ऊपर आएगा, क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल है, और सबसे पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस एडवांटेजेस, लॉन्ग रन में जाती फर्म को कुछ एडवांटेजेस एंजॉय करने मिलते हैं, इन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं, राइट। और अगर सपोज मान के चलो आपका कॉस्ट बढ़ रहा है बाद में, तो ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज, ठीक है, डिस इकोनॉमीज मतलब डिसएडवांटेजेस, राइट। तो बच्चों देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये हम लोग पढ़ते हैं। द निगेटिवली स्लोप, निगेटिवली स्लोप मतलब जो गिर रहा है पार्ट उसकी बात चल रही है, फॉलिंग पार्ट of LAC long run average cost curve is due to which of the following? अगर ये गिरता है तो ये क्यों गिर रहा है, इसका रीजन पूछा जा रहा है, ठीक है। diseconomies of scale, this is wrong बच्चों, ठीक है। diseconomies में LAC ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, वो positively slope होगा। diminishing returns, ये भी गलत है। difficulties encountered in coordinating the many activities of large firm, जो difficulties के वजह से तो diseconomies होगा वो बढ़ेगा, हमें ये पता करना है कि ये गिर क्यों रहा है, ठीक है। ये गिरेगा क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आप अच्छे से आपकी चीजों को यूटिलाइज कर रहे हो, तभी तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रहे हो, और तभी तो आपका खर्चा कम हो रहा है, सही बात है। खर्चा कम होना ये अच्छी बात है, तो इसलिए इसका सही आंसर है स्मॉल डी। 37th का आंसर स्मॉल डी है, आई होप आपको ये समझ में आ गया, विल कंफर्म दिस आंसर। 37th का आंसर स्मॉल डी, जी हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा हुआ है बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये अब आपको समझ में आएगा। द पॉजिटिवली स्लोप राइजिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व टोटल कॉस्ट कर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो बच्चों ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ पार्ट ये क्यों हो रहा है, अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं मतलब कुछ तो गलत हो रहा है डेफिनेटली, इसको हम लोग डिस इकोनॉमीज बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा स्मॉल ए, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर आ गया बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक्सप्लेन भी किया है, करेक्ट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये गलत है, ठीक है। फर्म बीइंग एबल टू टेक एडवांटेज, ये फायदा हो गया, तो हम लोगों को नुकसान ढूंढना है तभी तो कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये भी गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर है स्मॉल एम। आई होप अब आपको ये बहुत ईजी लगेगा क्योंकि 37 हम लोगों ने किया है,
इसलिए अब 38th क्वेश्चन भी बहुत आसान आपको लगना चाहिए। 38th क्वेश्चन का आंसर स्मॉल ए, 38th क्वेश्चन का आंसर स्मॉल ए, जी हाँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कुछ यहाँ पे अब न्यूमेरिकल्स है, हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। चलो देखते हैं एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। अ फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट इज ₹300 एट ₹5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड ₹320 एट 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। बच्चों ये एवरेज टोटल कॉस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखता हूं, अगर 5 आउटपुट है तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कितना है, ₹300, ठीक है। और अगर 6 आउटपुट है तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है, दिस इज ₹320, करेक्ट। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट इज, अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत गड़बड़ में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनका आंसर जो गलत है वो भी ऑप्शन में होता है। इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटेलिजेंट है, उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट कहाँ गलती करेगा और जो गलत आंसर है वो भी ऑप्शन में वो लोग इंक्लूड करते हैं ताकि स्टूडेंट उस ऑप्शन को टिक करके आए। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या करना है बच्चों। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का एक्स्ट्रा खर्चा कितना है, सही। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब यहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है, दिस इज नॉट टोटल कॉस्ट, दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सॉरी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का एक्स्ट्रा मेरे को खर्चा कितना हो रहा है, सही है। अब क्वेश्चन में आपको एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट नहीं दिया है, तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि आपको यहां पे टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में कैसे निकालो, वेरी सिंपल, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट इंटू आउटपुट, सही है। मतलब 300 इंटू 5 अगर मैं करूंगा तो मेरे को टोटल कॉस्ट मिलेगा फिफ्थ लेवल पे कितना होगा, ये दिस इज वेरी सिंपल 300 इंटू 5। बच्चों मैं सामने कैलकुलेटर रखता हूं, आपके कैलकुलेशंस जो है वो सही आने चाहिए, करेक्ट, ओके। तो देखो यहां पे दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बाय द वे, 300 इंटू 5 इज व्हाट इज 1500, ठीक है। ये तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, बट जहां पे भी आपको थोड़ा भी डाउट आता है प्लीज कैलकुलेटर का यूज कीजिए। 320 इंटू 6, ठीक है। तो ये देखो 320 इंटू 6 ये कितना होगा, 1920, तो ये हो गया 1920। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये दोनों का डिफरेंस निकालना, 1920 माइनस 1500, ठीक है। तो ये कितना आएगा, दिस इज व्हाट 420, सही है। तो ये आंसर अपना आया 420। तो अब हम लोग इसको कंफर्म करते हैं कि अपना ऑप्शन जो है यहां पे सही दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे अपना आंसर जो है वो आएगा स्मॉल डी 420, विल कंफर्म दिस आंसर। 39th का आंसर है स्मॉल डी, 39th का आंसर है स्मॉल डी, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको गड़बड़ नहीं करनी और आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ के फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व करना है, आपकी कभी भी मिस्टेक इस तरीके से नहीं होगी फिर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ क्या लिखा है, ओके। अ फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज एन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ ₹150, ठीक है। 7 यूनिट्स बनाती है, ओके, और एवरेज टोटल कॉस्ट है ₹150, ओके, एंड हैज टू पे ₹350 टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है ₹350, ओके। चलो आगे क्या लिखा, वेदर इट प्रोड्यूसेस और नॉट, चाहे प्रोडक्शन करो चाहे मत करो ₹350 पे करना ही पड़ता है, ठीक है। हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे लिखा गया, देखो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एवरेज टोटल कॉस्ट में से आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है। मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो आपको ये फॉर्मूला दिमाग रखना चाहिए, इट इज एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी अपने को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एटीसी में एवीसी का कितना हिस्सा है, मतलब आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एवीसी इज इक्वल टू एटीसी माइनस एएफसी लिख सकता हूं, सही बात है। अब मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट यहां दिया 150, तो ये मैंने 150 लिख दिया, माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट मेरे को 150 दिया, मेरे को निकालना पड़ेगा। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला ये है कि हमें फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है।
तो देखो ये फिक्स्ड कॉस्ट यहां दिया है 350 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज 7, करेक्ट। तो बच्चों 350 डिवाइडेड बाय 7 विल बी अगेन यहां पे 50 आएगा, इसका आंसर 50, ठीक है। तो ये 150 में से 50 अगर मैं माइनस करूं तो 100 आएगा, सही ना। तो 100 रुपीज मेरा आंसर होना चाहिए ए बी सी का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। 40 का आंसर है डी, विल कंफर्म दिस, 40 का आंसर है डी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बच्चों देखो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिख के सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है, तो आपकी गलतियां आप अवॉइड कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां क्या पूछा गया है। अ फर्म हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1000 एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर रुपीज 400, व्हाट विल बी एवरेज टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। आपको पूछा गया है कि एवरेज टोटल कॉस्ट कितना होगा जब 5 यूनिट्स वो बनाता है, तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो बच्चों टोटल कॉस्ट क्या आप लोग निकाल सकते हो, देखो यहां पे वेरिएबल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज 5, सही है ना। फिक्स कॉस्ट कितना है, देखो फिक्स कॉस्ट यहां लिखा गया 400 प्लस वेरिएबल कॉस्ट यहां लिखा गया 1000, ठीक है, 1000 होल डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा देखो 1400 डिवाइडेड बाय 5, तो 1400 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना आएगा, तो ये आएगा बच्चों आंसर 280, सही है ना, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर पे वैसे कंफर्म कर सकते हो, 1400 अपॉन 5 इज 280, ओके। तो बच्चों ये अपना आंसर है स्मॉल ए, विल कंफर्म दिस, 41 का आंसर है स्मॉल ए, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां क्या लिखा है। अ फर्म्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज 20 एट 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, व्हाट विल इट बी एट 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब देखो यहां पे क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट जो है ना यहां पे सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट इतना ही पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ में आंसर गलत कैसे आ सकता है। स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ता है फिक्स्ड कॉस्ट और देखता है यहां लिखा है 20 रुपीज, 6 यूनिट पे 20 है। अब उसके दिमाग में ये पता नहीं कहां से क्लिक होता है कि कहीं पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होता है, और उस हिसाब से वो स्टूडेंट सोचता है देखो 20 रुपए जो है 6 यूनिट पे, तो 4 पे भी 20 ही होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट होता है। बट द आंसर रुपीज 20 इज रॉन्ग, यहां ऑप्शन भी दिए बच्चों, गलत क्यों, क्योंकि हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे गिरता जाएगा कंटिन्यूअसली। फॉर्मूला क्या है एवरेज फिक्स कॉस्ट का, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो हमें 4 यूनिट्स पे कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो n इज 4, नाउ व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हम लोग कैसे निकालें, देखो बच्चों यहां पे 20 रुपए है 6 यूनिट पे, तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो 20 रुपए अगर खर्चा हो रहा है ये AFC 6 यूनिट पे, तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 20 × 6, राइट, 20 × 6, तो ये कितना होगा, दिस इज वेरी सिंपल, ये आएगा 120/4 एंड दिस विल बिकम ₹30, तो इसका आंसर आएगा स्मॉल बी, ओके, विल कंफर्म दिस, 40 का आंसर आ रहा है स्मॉल बी, यस बिल्कुल सही है, ओके। आई होप बच्चों आपको सारे फॉर्मुलेस पता है, और अगर फॉर्मुलेस पता है तो आप ये बहुत इजीली क्विकली कैलकुलेशंस कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछते हैं इंस्टीट्यूट, इसलिए ऐसे एरियाज को, ऐसे क्वेश्चंस को हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ओके, जो सही है उसको उन लोग को टिक करना है, ओके। द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है बच्चों, इकोनॉमिक्स में हम लोग प्रोडक्शन किसको बोलेंगे, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन हर वो एक्टिविटी को बोलना है जिससे पैसे जनरेट हो सके, राइट। तो अगर सपोज डॉक्टर सर्विसेज देता है, ठीक है, या फिर इंजीनियर खुद के सर्विसेज देता है, सीए खुद के सर्विसेज देता है, एक लॉयर खुद के सर्विसेज दे रहा है, टीचर पढ़ा रहा है जैसे कि ये केस में मैं, और मेरे को उससे कुछ पैसे जनरेट हो गए, ठीक है, तो वो बिल्कुल प्रोडक्शन के डेफिनेशन में कवर होगा, करेक्ट। या तो आप फिजिकल एग्जर्शन करो या फिर आप मेंटल एग्जर्शन करो, बट उसके लिए अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो हम लोग उसको प्रोडक्शन बोलेंगे, राइट। तो इसका आंसर है स्मॉल ए, बिल्कुल सही है ये। और बच्चों यहां पे बाकी ऑप्शंस हम लोग चेक कर लेते हैं, मैन कैन क्रिएट मैटर, दिस इज रॉन्ग, हम लोग मैटर क्रिएट नहीं कर सकते, मैटर तो ऑलरेडी नेचुरली गिफ्टेड होता है, हम लोग मैटर को यूज करके कोई दूसरी चीज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जरूर, राइट, बट बच्चों मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर,
सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन. दिस इज रॉन्ग. क्यों? हाउसवाइफ के सर्विसेज को हम लोग प्रोडक्शन में क्यों कंसिडर नहीं करते हैं? क्योंकि हाउसवाइफ के सर्विसेज के लिए वहां पे मॉनिटरी रिवॉर्ड जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है. ठीक है बच्चों, ये चीज देखो डॉक्टर के केस में उल्टा होगा. डॉक्टर अपने पेशेंट से फीस चार्ज करेगा, सही है? तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देते हो यहाँ पे जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो. बच्चों अगर कोई पर्सन खुद की हॉबी के लिए कोई चीज करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाना गा रहा है, घर में बैठ के कोई पर्सन अगर गाना गा रहा है, उसके उसको पैसा नहीं मिल रहा है, इट इज नॉट प्रोडक्शन. बट अगर यही कोई सिंगर जो है वो अगर कॉन्सर्ट में गाना गाता है जिसके लिए उसको पैसा मिलता है, तो ये बिल्कुल आएगा प्रोडक्शन में, राइट? तो जिसके लिए पैसा मिलता है वो है प्रोडक्शन के डेफिनेशन में, और जिसके लिए पैसा नहीं मिलता, जो हॉबी है या फिर जिसके लिए कुछ मॉनिटरी बैकिंग नहीं, जैसे कि यहाँ पे हाउसवाइफ को पैसा नहीं मिल रहा है, ये प्रोडक्शन में नहीं आएगा बच्चों. बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसवाइफ, कैसे निकालोगे ना? तो यहाँ पे इसलिए हम लोग नेशनल इनकम में भी इसको काउंट नहीं करते, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ. Right? When a man creates a table, he creates matter. No, matter cannot be created. Right? So 43rd का आंसर है small a. We'll confirm this. 43rd का आंसर small a. बिल्कुल. अच्छा, next question देखते हैं क्या लिखा है. Which of the following is a function of an entrepreneur? बच्चों, entrepreneur का कौन सा यहाँ पे इनमें से function है? Entrepreneur वैसे वो person होता है जो पूरे business को coordinate करता है, संभालता है. Right? इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, ये बिल्कुल फंक्शन है. बिजनेस को स्टार्ट कौन करता है? बिजनेसमैन स्टार्ट करता है, एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है. रिस्क लेना, ये भी एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है, बिल्कुल. ठीक है, रिस्क है तो इश्क है. ओके, तो बच्चों रिस्क लेना का लेने का काम जो है वो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर का ही है. इनोवेटिंग, नई नई चीजें बनाना, ये भी डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर ही करता है. इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों. 44th का आंसर है डी. 44th का आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां क्या लिखा है. इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लास्टिंग. बच्चों शॉर्ट रन क्या होता है? देखो बच्चों, आपको बहुत लोग बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं आपको एकदम सिंपल चीज बताता हूं. शॉर्ट रन उसको बोलना है कि वो टाइम फ्रेम है जहां पे कम से कम एक फैक्टर तो फिक्स्ड होता ही है, एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स इज फिक्स, तो हम लोग बोलेंगे कि वो शॉर्ट रन है. जब आपके सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाएंगे, जब आप अपने मर्जी से हर एक चीज को चेंज कर सकते हो, उस टाइम से आपका लॉन्ग रन स्टार्ट होगा, करेक्ट? तो बच्चों देखो यहाँ पे 6 महीने तक होता है क्या? आंसर इज नो, ऐसा हम लोग कुछ फिक्स नहीं बोल सकते. 5 साल तक वी डोंट नो. एज लॉन्ग एज ऑल इनपुट्स आर फिक्स, अगर सारे इनपुट्स फिक्स है, ये गलत है बच्चों. एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स, कम से कम अगर एक भी इनपुट अगर फिक्स है तो भी हम लोग बोलेंगे कि वो शॉर्ट रन ही है अभी भी, राइट? ठीक है, 45th का आंसर इसलिए डी, ये तो सिंपल आपका डेफिनेशन यहाँ पे पूछा गया था. 45th का आंसर डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते क्या लिखा है. इफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट, देन इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 10%, देन. बच्चों मैं आपको ये तीनों भी एक्सप्लेन करता हूं, आपको ध्यान से सुनना है. ठीक है, देखो तीन स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स. Second is decreasing returns. Second is constant returns. Sorry. Constant returns. Constant returns. ये long run की बात कर रहा हूं, ठीक है? And third is decreasing returns. Decreasing returns. सही है, ठीक है बच्चों? देखो क्या होता है, अगर यहां पे मैं लिखता हूं input, ठीक है, और यहां लिखता हूं output. अगेन इनपुट आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट. एक चीज प्लीज दिमाग में रखो, ये हम लोग लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं. एक बहुत बेसिक चीज जो हर स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए वो क्या है? वो ये है कि इनपुट अगर मैं बढ़ाऊंगा, इसका मीनिंग क्या है? इनपुट में बढ़ाऊंगा मतलब रॉ मटेरियल में ज्यादा यूज कर रहा हूं, मैं लेबर ज्यादा, मैं मशीन ज्यादा यूज कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर रहा हूं, मैं जितना ज्यादा इनपुट बढ़ाऊंगा उतना ही मेरा आउटपुट भी बढ़ेगा. ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं पर आउटपुट नहीं बढ़ रहा है. दिस इज रॉन्ग. इनपुट बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा, करेक्ट? तो ये चीज आपको बेसिक चीज दिमाग में रखनी, इनपुट बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ेगा, करेक्ट? अच्छा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है? वेरी सिंपल, मैंने मान के चलो इनपुट को 100% से बढ़ाया, ठीक है, मीनिंग क्या है? मीनिंग ये, मैंने लेबर डबल कर दिया, ठीक है, मैंने मेरे फैक्ट्री का साइज डबल कर दिया, मैंने मशीन डबल यूज किया, रॉ मटेरियल डबल कर दिया, मैंने इनपुट सारे के सारे 100% से बढ़ा दिए, बट मेरा आउटपुट जो ना वो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ता है. सपोज आउटपुट 120% से बढ़ रहा है,
तो मैं क्या बोलूंगा, अरे वाह मैंने तो सिर्फ मेरे फैक्ट्री का साइज डबल किया था बट मेरा जो प्रोडक्शन है वो डबल से भी ज्यादा हो रहा है, ये कब होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स में, राइट? व्हाट इज कांस्टेंट रिटर्न्स? अगर यहां पे मैं 100% से इनपुट को बढ़ाता हूं और आउटपुट भी एग्जैक्टली उतने ही परसेंट से बढ़ रहा है, दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स। देन व्हाट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स? डिक्रीजिंग रिटर्न्स में मान के चलो मैंने लेबर रॉ मटेरियल को डबल कर दिया, इनपुट को मैंने 100% से बढ़ाया बट मेरा आउटपुट बढ़ा बट ये उतने तेजी से नहीं बढ़ रहा है। सपोज ये सिर्फ 80% से बढ़ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये कि आपके इनपुट का असर आउटपुट पे हुआ तो है बट आउटपुट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है? डेफिनेटली इनपुट बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा बट अगर आपका आउटपुट स्लोली बढ़ता है तो मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की वजह से हो रहा है, करेक्ट? तो यहाँ क्या लिखा है, इफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट देन इफ इनपुट आर इंक्रीज बाय 10% परसेंटेज चेंज किया देन आउटपुट विल ऑल्सो डिक्रीज। आउटपुट डिक्रीज कभी नहीं होगा बच्चों, ये दोनों भी इंक्रीज होंगे, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न देख के डिक्रीज को टिक करते हैं, विच इज रॉन्ग, करेक्ट? तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सही ऑप्शन चूज करना है बच्चों। आउटपुट विल इंक्रीज बाय 10%, ये कॉन्स्टेंट रिटर्न में होगा, ठीक है? सेम परसेंट से कॉन्स्टेंट रिटर्न में होता है। आउटपुट विल इंक्रीज बाय मोर देन 10%, ये इंक्रीजिंग रिटर्न में होता है। आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? ओके, तो इसका आंसर है स्मॉल सी, 46 का आंसर। अब हम लोग करेंगे कंफर्म, 46 का आंसर है स्मॉल सी, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां क्या पूछा गया है। ओके, द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड अनदर कॉम्बिनेशन दैट यील्ड्स द सेम आउटपुट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? ये गलत है। द हाइएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट, दिस इज राइट। अब देखो बच्चों, मैं आपको फिर से बताता हूं कि कैसे मॉड्यूल का डायरेक्टली लाइन जो है वो उससे एमसीक्यू ये बन गया, राइट? आपको ना क्या करना है, देखो आपको एग्जाम के पहले डेफिनेटली आपको पूरा मॉड्यूल जो है लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल पढ़ के जाना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज देखो बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली मॉड्यूल का लाइन यूज करके बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली मॉड्यूल में ये कहां लिखा गया है। ये देखो बच्चों, ये जस्ट अ मिनट, मैं आपको एग्जैक्टली ये बताता हूं कि ये कहां लिखा गया है। देखो ये मैं आ गया यहां पे प्रोडक्शन फंक्शन में, सही है? प्रोडक्शन फंक्शन, ये मॉडल में प्रोडक्शन फंक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया बच्चों। प्रोडक्शन फंक्शन वैसे क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली हम लोगों को ये बोलता है कि आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट्स, मतलब इनपुट जितना ज्यादा आउटपुट भी उतना ही ज्यादा होगा, करेक्ट? अच्छा, अब ये देखो यहां पे क्या लिखा गया है, सेंटेंस में आपको यहां पे टिक करके बताता हूं। सी, यस, प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, ये देखो ये वाला पैराग्राफ, द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड द इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक द आउटपुट, मतलब मैं इनपुट यूज करके कितना मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना सकता हूं, ये मैं प्रोडक्शन फंक्शन, करेक्ट? फिर से बता रहा हूं, मैं इनपुट रॉ मटेरियल लेबर ये सब चीजों को यूज करके कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना सकता हूं, ये मैं प्रोडक्शन फंक्शन से सीखूंगा, करेक्ट? तो इसलिए बच्चों यहां पे इसका सही ऑप्शन क्या है, देखो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड द हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट। मैं आगे का ऑप्शन पढ़ने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर स्मॉल बी विल कंफर्म दिस। अच्छा, बाकी ऑप्शंस जो है एकदम इरेलेवेंट है, इंक्रीज इन आउटपुट जनरेटेड बाय वन यूनिट इंक्रीज इन वन आउटपुट, ये गलत हो गया। ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट दैट कैन बी जनरेटेड बाय दोज इनपुट्स, ये भी गलत है। दिस इज द डायरेक्ट आंसर स्मॉल बी विल कंफर्म दिस। 47th का आंसर स्मॉल बी, 47th का आंसर स्मॉल बी, ठीक है? जो स्टूडेंट्स मॉडल पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व करने आएंगे, राइट? बच्चों आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। ओके ओके बच्चों, 48th क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इट मस्ट बी ट्रू दैट। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर आपको ऑप्शंस को सही ऑप्शन को चूज करना है, राइट? अब देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताता हूं कि ये दो ग्राफ्स किस तरीके से आपको यहां नजर आते हैं। ये मैं थोड़ा मिटाता हूं, राइट? ठीक है बच्चों, देखो ये डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, वैसे दिस इज माई मार्जिनल प्रोडक्ट, सपोज, ठीक है, ये है मेरा मार्जिनल
ओके, तो एवरेज प्रोडक्ट मेरा कैसा होगा? ठीक है बच्चों, देखो ये ग्राफ शायद उतने एक्यूरेसी से मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट फिर भी आपको समझ में तो आएगा बिल्कुल। यहाँ पे इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम है, ऐसा आप लोग प्लीज समझ के चलो। ओके, सो दिस इज द लेवल, ये जो पॉइंट है ना, सपोज दिस इज पॉइंट एम, तो ये एम पॉइंट पे ये जो एवरेज प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम होगा, सही है ना। इस तरीके से हम लोग जो है वो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट को ड्रॉ करते हैं, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो एवरेज प्रोडक्ट, एमबीएपी के नीचे, मतलब ये इस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो एमपी जो है ना, ये एपी के नीचे इस पॉइंट के आगे, राइट। तो इसका मीनिंग है, इट मस्ट बी ट्रू दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज निगेटिव। बिल्कुल जरूरी नहीं कि मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव होगा, क्यों? क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट से आगे निगेटिव हो रहा है बच्चों, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो, जीरो होगा ये भी जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग, जी हाँ बिल्कुल सही। देखो जब भी यहाँ पे एमपी जो है वो अगर एपी के नीचे है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग डेफिनेटली ये है कि एपी गिरेगा ही गिरेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम पॉइंट पे एपी मैक्सिमम पॉइंट रीच हो रहा है और उसके आगे एपी एवरेज प्रोडक्ट जो है वो गिरना चालू होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन होगा अपना स्मॉल सी, तो मैं इसको पिक करूंगा, मैं इसके साथ जाऊंगा स्मॉल सी के साथ, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज निगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी निगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी निगेटिव बट एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी निगेटिव, सही है। क्यों? क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट जो है ये निगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों प्रोडक्शन निगेटिव में कैसे होगा यार, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मेरा आंसर है स्मॉल सी, 48 का आंसर है स्मॉल सी, बिल कंफर्म दिस, 48 का आंसर है स्मॉल सी, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, यहाँ क्या लिखा है। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। बच्चों देखो अब यहाँ पे ये सेम ग्राफ से आप लोग देख सकते हो, एपी मैक्सिमम कब होगा? जब एपी एमपी को इक्वल होगा, तब जब एपी एमपी को इंटरसेक्ट करेगा ना उस पॉइंट पे, पॉइंट एम पे एपी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? इक्वल्स द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, बिल्कुल सही। एमपी अगर एपी को इक्वल होता है वहां पे एपी का मैक्सिमम पॉइंट है। ओके, तो 49th का आंसर है स्मॉल, ये तो एकदम सिंपल हो गया, 49th का आंसर है स्मॉल ए, राइट। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको ग्राफ ड्रॉ करके ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज लर्न मत करके जाना, ग्राफ ड्रॉ करके सिस्टमैटिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ड्रॉन अंडर ऑल द अजम्पशंस मेंशन बिलो एक्सेप्ट द अजम्पशन दैट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बच्चों ये शॉर्ट टर्म वाला लॉ है, ठीक है ना। इस लॉ के बहुत सारे अजम्पशन है, ठीक है, जिसमें से एक अजम्पशन ये होता है कि टेक्नोलॉजी को हम लोग कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अजम्पशन जो है ना ये गलत हो गया बच्चों, तो इसलिए इसका आंसर स्मॉल है, द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बाकी सारे अजम्पशन सही है, क्या हम लोग देख लेते हैं। देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स, बिल्कुल सही। जैसे कि हम लोग मशीन को फिक्स्ड इनपुट मानते हैं, करेक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट्स एंड नॉट इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबिलिटी इन मॉनिटरी टर्म्स, बिल्कुल सही। हम लोग सिर्फ फिजिकल इनपुट्स की बात करते हैं। आप लोग कहीं पे भी देखोगे ना, जब भी हम लोग शॉर्ट टर्म में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, वहां कहीं पे भी रुपीज की बात नहीं होती, कितना प्रॉफिट कमा रहे हम लोग उसकी बात नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस जो है, ये दो अजम्पशंस बिल्कुल सही है, द टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड स्टेबल, ये भी अजम्पशन सही है। तो मतलब ये वाला अजम्पशन गलत हो गया, तो ये इसलिए इसका आंसर है स्मॉल ए, 50 का आंसर है स्मॉल ए, विल कंफर्म दिस, 50 का आंसर है स्मॉल ए, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों, देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, तो बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन जो है इस पे कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो प्रोडक्शन फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से मॉडल की लाइंस पिक करके इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस बना रही है। टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट, बिल्कुल सही, यही आंसर है, करेक्ट। तो बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, राइट ना। तो यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, देखो क्यू इज फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ये सारे इनपुट्स है, ठीक है। क्वांटिटी जो है ये इनपुट्स, आउटपुट का क्वांटिटी इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। तो इसलिए इसका आंसर है स्मॉल ए, बराबर। रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, ये गलत हो गया।
रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। यूटिलिटी तो कंज्यूमर का होता है, हम लोग प्रोड्यूसर के हिसाब से यहाँ पे सोचेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एंड टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द आउटपुट। टाइम का कुछ यहाँ पे बच्चों लॉजिक नहीं होता है। 51 का आंसर इसलिए है स्मॉल ए, 51 का आंसर स्मॉल ए, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। लॉस ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, बच्चों जो प्रोडक्शन का जो चैप्टर है इसमें हम लोगों ने कौन सा लॉ नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ नाम आपको जो अजीब लग रहा है उसको आपको चूज करना है। रिटर्न टू स्केल, ये बिल्कुल लॉ ऑफ प्रोडक्शन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये तो शॉर्ट रन में होता ही है, ठीक है, ये शॉर्ट रन का लॉ है और ये लॉन्ग रन का लॉ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये भी लॉ है बिल्कुल, मतलब बेसिकली ये भी हम लोगों ने सीखा है प्रोडक्शन चैप्टर में। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, दिस इज नॉट अ लॉ ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज अ लॉ ऑफ कॉस्ट, बराबर, ये तो कॉस्ट का लॉ हो गया ना, बाकी सारे प्रोडक्शन के लॉज, प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, तो इसका आंसर इसलिए स्मॉल डी। 52 का आंसर स्मॉल डी, विल कंफर्म दिस, 52 का आंसर स्मॉल डी, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सॉरी। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आईसो क्वांट पे पढ़ रहा हूं मैं, देखते हैं यहां पे आपको सही आंसर चूज करने आएगा क्या। एंड आईसो क्वांट शोज, जो वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, आईसो क्वांट क्या होता है, देखो जैसे आईसो यूटिलिटी हम लोगों ने सीखा था, इंडिफरेंस कर्व हम लोगों ने सीखा था, वैसे आईसो क्वांट नाम का कॉन्सेप्ट है जहां पे हर पॉइंट पे प्रोडक्शन सेम होगा, करेक्ट। तो देखो ये यहां से आपको याद रहता है, दिस इज आईसो क्वांट, ठीक है, ये है आपका आईसो क्वांट। आईसो क्वांट पे क्या सेम होगा, सेम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सेम होगा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये फैक्टर ए, फैक्टर कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, ये 500 के 500 अलग अलग कॉम्बिनेशन पे मेरे को सेम आउटपुट मिलने वाला है, करेक्ट। तो ये रॉ मटेरियल है मेरे, मतलब बेसिकली मैं फैक्टर एक्स फैक्टर वाई ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करूंगा भले, बट मेरे को सेम क्या मिलेगा, सेम मेरे को मिलेगा यहाँ पे आउटपुट, सही है। तो बच्चों देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा है। ओके, ऑल द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ आउटपुट फुल्ली एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ये गलत है यार, बेस्ट पॉसिबल वे ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में कहां पे सेम प्रोडक्शन आ रहा है, वो होगा आइसोकॉन, राइट। आइसोकॉन हम लोगों को ये नहीं बताता है कि हम लोग कैसे किस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन को बहुत सही तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे से यूटिलाइज कर रहे हैं। आइसोकॉन सिर्फ हम लोगों को कॉम्बिनेशन बताता है अलग अलग इनपुट्स के, जिससे मेरे को प्रोडक्शन सेम मिलेगा, राइट। ओके, ऑल द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स अमॉन्ग Which a producer is indifferent because they yield the same profit. This is wrong. बच्चों ये देखो, ये आपको explain करता हूँ। ये A, B, C, D, E पांच combinations हैं। पांचों combinations पे मेरा same profit रहेगा। जरूरी नहीं है, but पांचों combinations पे मेरा same production रहेगा। Isoquant means same production, not same profit. क्यों? ये A का cost, B का cost, C का cost, D का cost और E का cost. Cost अलग हो सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल चेंज हो गया, इसलिए हर कॉम्बिनेशन पे प्रॉफिट सेम नहीं रहेगा, बट अगेन प्रोडक्शन सेम रहेगा, ठीक है, सेम प्रोडक्शन नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट सेम रहेगा जरूरी नहीं, बट प्रोडक्शन सेम रहेगा, फिर से बता रहा हूं। तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं है बच्चों, डी वाले ऑप्शन को भी मैं इसलिए कट कर रहा हूं। ऑल ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट इज द सेम टोटल प्रोडक्ट, यही तो मैं बता रहा था जब से। इसका आंसर स्मॉल सी, बोथ बी एंड सी, ये भी गलत हो गया इसलिए, ठीक है, हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 53rd का आंसर है स्मॉल सी, वी आर गोइंग टू कंफर्म दिस, 53rd का आंसर है स्मॉल सी, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट बिकॉज एज अ फर्म इंक्रीजेस इट्स साइज इन द लॉन्ग रन, बच्चों इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। देखो लॉन्ग रन में जब भी कोई बिजनेस जाता है तो फर्स्ट इनिशियली उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करने मिलते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब सारे एडवांटेजेस जो एक फर्म एंजॉय करती है जब वो लॉन्ग रन में जाती है, राइट। तो देखते हैं हम लोग लॉन्ग रन में जाने के क्या क्या फायदे यहाँ पे हो सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, इकोनॉमीज मतलब एडवांटेजेस,
ठीक है, एडवांटेजेस. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन देयर एक्टिविटीज मोर. ये बिल्कुल सही है बच्चों, बिकॉज लेबर और मैनेजमेंट में सही तरीके से अगर मैं अलग अलग काम को डिवाइड कर दूंगा, मैनेजमेंट में बढ़ा दूंगा, तो इससे मेरे बिजनेस पे बहुत अच्छा असर होगा. राइट, एज अ लार्ज इनपुट बायर द फर्म कैन गेट फाइनेंस एट लोअर कॉस्ट एंड परचेज इनपुट्स एट अ लोअर पर यूनिट कॉस्ट. बिल्कुल सही है, जैसे ही मैं मेरे फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा लॉन्ग रन में, मैं बड़ा फैक्ट्री अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं प्रोडक्शन भी बढ़ाऊंगा, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल भी मैं बल्क में परचेज कर सकता हूं. और बल्क में रॉ मटेरियल जब भी हम लोग खरीदते हैं, तब हम लोग बिल्कुल ज्यादा सस्ते भाव में इसको खरीद सकते हैं. करेक्ट, चलो तो ये भी सही आंसर है. सी देखते हैं क्या लिखा है, द फर्म कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन. ज्यादा अच्छे बेटर टेक्नोलॉजी में यूज कर सकता हूं जब मैं शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाऊंगा, तो सारे के सारे एडवांटेजेस है, इसलिए इसका सही आंसर है स्मॉल डी, ऑल ऑफ दीज. करेक्ट, तो 54th का आंसर है स्मॉल डी, 54th का आंसर है स्मॉल डी, बिल्कुल सही. ओके बच्चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ क्या पूछा गया है. 55th क्वेश्चन पे आता है, द प्रोडक्शन फंक्शन. बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन पे फिर से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन पे यहाँ पे एमसीक्यूज में कवर हो रहे हैं. राइट, देखते हैं यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो सकता है. ए इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड एंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट. बिल्कुल सही है बच्चों ये ऑप्शन. बी ऑप्शन देखते हैं, टेल्स अस मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट. मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट, मैंने ये मॉड्यूल का लाइन भी आपको बताया बच्चों, फ्रॉम गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स. ये भी सही है. राइट, एक्सप्रेसेस द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट. ये भी सही है, ऑब्वियसली इसका आंसर है स्मॉल डी. अगेन मॉड्यूल के लाइंस यहाँ पे पिक करके एमसीक्यू बनाया हुआ है, इसलिए फिर से बोल रहा हूं आपको केयरफुली मॉड्यूल का हर एक लाइन पढ़ना है. 55th का आंसर है स्मॉल डी, विल कंफर्म दिस. 55th का आंसर है स्मॉल डी, बिल्कुल. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है. 56th क्वेश्चन बात है. ओके, the production process described below exhibits. बच्चों देखो यहाँ पे number of workers लिखे गए और यहाँ पे output लिखा गया. right, तो यहाँ पे हम लोगों को ना marginal product पे ये question पूछा गया है. हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं अलग से marginal product calculate कर लेता हूँ. correct, जब zero worker है तो zero output. okay, अच्छा zero से one, यहाँ पे अगर एक extra labor आ रहा है तो extra output वो produce कर रहा है 23. तो first labor का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 23 आएगा. ठीक है, एक से दो, यहाँ पे एक से एक्स्ट्रा लेबर बढ़ गया है, वर्कर बढ़ गया है, तो यहाँ पे 40 यहाँ पे अपना आउटपुट आ रहा है. तो 40 माइनस 23 हम लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने मिलेगा. राइट, तो 40 माइनस 23 इज व्हाट, 70. सही है. ओके, तो बच्चों अब लास्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. ओके, सी अब दो से तीन, ये फिर से एक एक्स्ट्रा लेबर बढ़ गया, तो यहाँ एक्स्ट्रा आउटपुट कितना आ रहा है, 50 माइनस 40 विच इज 10. करेक्ट, आप लोग ये देखो कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या गिर रहा है. ठीक है, आंसर इज येस. देखो फर्स्ट लेबर ने 23 बनाया था, सेकेंड लेबर ने 17 ही बनाया और थर्ड ने सिर्फ 10 बनाया. इसका मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. करेक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, नो. डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, येस, दिस इज द आंसर. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्किल, This is not increasing return to scale. ठीक है, क्यों, क्योंकि increasing return to scale में जैसे मैं output बढ़ाऊंगा, मेरा production बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना चाहिए. ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ आप लोग देख सकते हो 1 से 2, यहाँ पे लेबर 100% से बढ़ गया, बट आउटपुट मेरा डबल नहीं हो रहा. तो मतलब यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल नहीं बोल सकते इसको, तो ये भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ. इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये भी गलत है, क्योंकि ये एमपी डिक्रीज हो रहा है. सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेटर के हम लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पे. इसका आंसर है स्मॉल बी, 56th का आंसर है स्मॉल बी, 56th का आंसर है स्मॉल बी, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, देखते क्या लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन. नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट अगेन बच्चों हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं. वेरिएबल कॉस्ट ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. प्रोडक्शन ज्यादा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगा. रेंट ऑफ फैक्ट्री, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, ये चेंज नहीं होता है. वेजेस पेड टू फैक्ट्री लेबर, ये है वेरिएबल कॉस्ट. क्यों, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा मेरे को करना है तो मेरे को ज्यादा लेबर्स को हायर करना पड़ेगा और मेरा वेजेस जो है ये कॉस्ट बढ़ जाएगा. सही बात है, तो ये बी इसका आंसर है. राइट, 57th का आंसर है बी. इंटरेस्ट पेमेंट, बच्चों ये भी फिक्स कॉस्ट होता है. इंटरेस्ट जो होता है वो आपको बैंक को पे करना ही पड़ता है. अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा,
irrespective of whether you're producing in the factory or not. पेमेंट ऑन लीज फॉर फैक्ट्री इक्विपमेंट, बच्चों ये भी लीज का पेमेंट, रेंट का पेमेंट, ये सारे फिक्स कॉस्ट है, इसलिए 57th का आंसर है स्मॉल बी. विल कंफर्म दिस, 57th का आंसर है स्मॉल बी, 57th का आंसर है स्मॉल बी, बिल्कुल सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, काफी इजी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. ओके, विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है. द एफिशियंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइज. बच्चों देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है अपने को कि हम लोग सबसे अच्छे तरीके से एफिशिएंटली कहां पे प्रोड्यूस करेंगे, वो आउटपुट पे जहां पे अपना क्या मिनिमम हो सकता है. देखो बच्चों, हम लोगों का मेन एम क्या होना चाहिए, एवरेज टोटल कॉस्ट जो होता है ये कम से कम करना है. ठीक है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट जब सबसे कम होगा तब हम लोग बोलेंगे कि हमारा खर्चा जो है टोटालिटी में बहुत कम हो रहा है. राइट, तो देखो एवरेज टोटल कॉस्ट, इफ यू कैन रिकॉल एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता है, ये इस तरीके से यू शेप होता है. तो जहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा ना, वहां पे अपना सबसे एफिशिएंट लेवल होगा प्रोडक्शन का. राइट, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नो, एवरेज टोटल कॉस्ट यस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को भी हम लोग देखते नहीं, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल के दोनों भी कॉम्पोनेंट कवर हो रहा है, इसलिए हम लोग एवरेज टोटल कॉस्ट को यहाँ पे बेसिस कंसिडर करेंगे. जहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम है वहां हम लोग बहुत एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर सकते हैं. 58 का आंसर इसलिए स्मॉल बी. ओके, विल कंफर्म दिस, 58 का आंसर है स्मॉल बी, बिल्कुल सही है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या लिखा है बच्चों. यस, इन द शॉर्ट रन द फर्म्स प्रोडक्ट कर्व्स शो दैट. यस, शॉर्ट रन की बात चल रही है बच्चों, हम लोग यहां पे देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो सकता है. टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज बट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट. बच्चों देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को सामने ग्राफ रखना पड़ेगा. अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर आएगा. राइट, ओके बच्चों, ये देखो ये सामने मैंने ग्राफ रखा है और अब हम लोग ग्राफ को ऑब्जर्व करके सारे ऑप्शंस को पढ़ के देखते हैं. राइट, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज. दिस इज रॉन्ग. टोटल प्रोडक्ट जो है ये कब से डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट जब डिक्रीज होता है तब एक्चुअली एवरेज प्रोडक्ट उसके पहले से ही डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट स्टेज टू की शुरुआत से डिक्रीज हो रहा है. तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना कब चालू होता है, जब एक्चुअली मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो रहा है, और एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज तो पहले से ही हो रहा है. तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है, टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, बट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, ये गलत हो गया ऑप्शन, इसको हम लोग गलत यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा हूं मैं. राइट, बी ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है. When marginal product is equal to average product is decreasing but at its highest. ये भी गलत हो गया बच्चों, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो marginal product और average product जब एक दूसरे को cut करते हैं, ठीक है, तो ये cut होने के पहले average product बढ़ रहा है continuously. ठीक है, तो ये यहाँ पे जो option लिखा है गलत हो गया. When marginal product is equal to average product is decreasing. No, it has been increasing. Average product continuously increase हो रहा है, और जब वो हाईएस्ट पॉइंट रीच करेगा वहां पे वो मार्जिनल प्रोडक्ट को कट करेगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया. ठीक है, सी देखते क्या लिखा है. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कट्स द एवरेज प्रोडक्ट कर्व फ्रॉम बिलो इज रॉन्ग. एमपी एपी को ऊपर से कट करता है, नीचे से नहीं. ठीक है, देखो यहां पे आपको समझ में आएगा, एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये किस तरीके से कट कर, देखो ये ऊपर से आके यहां पे कट कर रहा है, किसको, एपी को, तो ये ऊपर से कट करेगा नीचे से नहीं. बच्चों एवरेज कॉस्ट के केस में ऐसा हो सकता है. ठीक है, फिर से बता रहा हूं, देखो एवरेज कॉस्ट में हम लोग ऐसे देखते हैं कि से दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, एंड से दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज कॉस्ट. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करता है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को ऊपर से कट करता है. एक चीज और आपको बता दो, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जो है ना, उनको अगर हम लोग उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, इनवर्स कर दे, तो हम लोगों को एमपी और एपी मिलेगा बच्चों. राइट, ठीक है, पूरी तरीके से उल्टा बिहेवियर होता है कॉस्ट का प्रोडक्ट के साथ. ओके, अच्छा, और लास्ट क्या लिखा है, ऑब्वियसली तीन गलत है तो यही अपना आंसर सही होगा, बट हम लोग इसको कंफर्म करेंगे. इन स्टेज टू टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेस मैक्सिमम एट द एंड ऑफ दिस स्टेज. बिल्कुल सही है, स्टेज टू में टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है बट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और स्टेज टू के एंड में ये हाईएस्ट पॉइंट रीच करेगा. ये 100% सही आंसर है, तो इसलिए हम लोग 59th क्वेश्चन का आंसर डी जो है वो हम लोग पिक करेंगे. देखते हैं हम लोग हमारा आंसर सही है क्या. 59th क्वेश्चन का आंसर है डी, बिल्कुल सही है. ओके,
बच्चो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते क्या लिखा है। अ फिक्स्ड इनपुट इज डिफाइंड एज, फिक्स्ड इनपुट क्या होता है, ठीक है, दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड क्विक कैन बी क्विकली चेंज इन द शॉर्ट रन इन रिस्पॉन्स टू डिजायर ऑफ द कंपनी टू चेंज इट्स प्रोडक्शन। नो बच्चों, फिक्स्ड इनपुट हम लोग आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड इनपुट में मैंने एग्जांपल क्या देता आपको, देखो शॉर्ट रन में हम लोग जब सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स को हम लोग फिक्स रखते हैं, जैसे कि मशीन इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड फैक्टर, राइट। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखते क्या लिखा है, दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी क्विकली चेंज इन शॉर्ट रन इन रिस्पॉन्स टू डिजायर ऑफ द कंपनी टू चेंज इट्स प्रोडक्शन, दिस इज द राइट आंसर, सही है। ये वो क्वांटिटी, ये वो फैक्टर होता है जिसका क्वांटिटी हम लोग जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज शॉर्ट रन में हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग हर एक फैक्टर को चेंज करें, राइट। ये लॉन्ग रन में चेंज हो सकता है, करेक्ट। दैट इनपुट हुज क्वांटिटीज कैन बी इजिली चेंज, ये गलत हो गया, इजिली चेंज तो हम लोग कर ही नहीं सकते। दैट इनपुट हुज डिमांड कैन बी इजिली चेंज, ये भी गलत है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी, ओके। 60 का आंसर है बी, विल कंफर्म दिस, 60 का आंसर है बी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग यहां देखते क्या लिखा है। एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, बच्चों एवरेज प्रोडक्ट जो होता है कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, नो, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट को टोटल कॉस्ट से डिवाइड करने से एवरेज प्रोडक्ट नहीं आता है, ओके। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, दिस इज राइट। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, सी। तो इससे हम लोग टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर इज सी, मार्जिनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला पूछ ले बच्चों आपको यहाँ पे, 61st का आंसर इसलिए है स्मॉल सी, 61st का आंसर स्मॉल सी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखते क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन अ ग्रेटर यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट इंड्यूसेस अ रिडक्शन इन मार्जिनल प्रोडक्ट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है बच्चों, देखो ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां पे अपना मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, मार्जिनल प्रोडक्ट का, वहां से अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो लेवल टोटल प्रोडक्ट पे जहां पे आएगा पॉइंट एफ, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहां से आगे गाड़ी धीरे धीरे स्लो होती नजर आएगी, क्यों, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट यहां से आगे गिर रहा है, राइट। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है फिर से बताता हूं आपको, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर से मैं यहां पे ये क्लियर करता हूं, व्हाट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज That level of total product corresponding to the highest level, corresponding to the highest level of MP, यानी जहां पे MP highest है वहां से अगर हम लोग देखे total product का level, तो वो होगा हम लोगों का inflection point। In simple words, देखो बच्चों यहां पे इसको एकदम सिंपलीफाई अगर मैं करूं तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहां से नीचे गिर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अब यहां से आगे एक्स्ट्रा लेबर प्रोडक्शन को बहुत तेजी से नहीं बढ़ा सकता, क्यों, क्योंकि अब आगे एमपी गिर रहा है, तो इसलिए टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा बट धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट, ठीक है। ये इसको और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो इमेजिन करो कि क्रिकेट मैच चल रही है और क्रिकेट मैच में शुरुआत के 5-10 ओवर में बहुत ज्यादा रन बन गए, आगे भी रन बन रहे हैं बट अब आगे रन्स बनने की स्पीड स्लो हो गई है, ठीक है। वैसे टीपी का यहाँ पे बिहेवियर होगा, टोटल प्रोडक्ट शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ेगा यहां तक एफ पॉइंट तक, अब एफ के आगे टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा जरूर बट धीरे धीरे बढ़ेगा, सही बात है। तो इसका स्पीड यहां से स्लो हो जाएगा, ओके। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन अ ग्रेटर यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट इंड्यूसेस अ रिडक्शन इन मार्जिनल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, यहां से आगे मार्जिनल प्रोडक्ट रिड्यूस होगा, दिस इज ट्रू, ओके। Before reaching the inevitable point of decreasing marginal returns, the quantity of output obtained can increase at increasing rate. Okay. तो जो यहां पर यह क्या पूछ रहा है, यहां पर यह बोल रहा है देखो कि अगर हम लोग सपोज एक ऐसे पॉइंट पे रीच करें जहां पे मार्जिनल रिटर्न्स आगे डिक्रीज होंगे तो उस पॉइंट के पहले तक हमारा आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। बच्चों डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स मतलब क्या, वेरी सिंपल, देखो हम लोग उस पॉइंट तक बहुत तेजी से प्रोडक्शन कर सकते हैं जहां से आगे मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, वही तो मैं बात कर रहा हूं,
ठीक है, वही तो हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी उसी को बोलते हैं, राइट। इस पॉइंट के पहले तक हमारा प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, इसलिए हम लोग ये बी वाले पॉइंट को भी हम लोग ट्रू बोल रहे हैं, राइट। ठीक है, आउटपुट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, बिल्कुल सही। द फर्स्ट स्टेज करेस्पॉन्ड्स टू द रेंज इन विच एपी इज इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, बिल्कुल सही है ये भी। फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज ही होते जाएगा, इनफैक्ट फर्स्ट स्टेज के एंड पे एपी जो है हाईएस्ट होगा और एवरेज प्रोडक्ट उसके बाद धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा, आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट जो ना ये धीरे धीरे यहां बढ़ेगा, फर्स्ट स्टेज के एंड पे ये हाईएस्ट होगा, आगे से ये गिरना चालू होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी अपना सही है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव के साथ हम लोग देंगे बच्चों 62nd का आंसर, इसलिए है डी। ओके, विल कंफर्म दिस, 62nd का आंसर है डी, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां पे क्या लिखा गया है। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ, बच्चों ये चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं, देखो आपको एकदम ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। मार्जिनल, ये स्टेटमेंट आप लोग प्लीज दिमाग में रखो, मार्जिनल इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ टोटल, मार्जिनल इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ टोटल, ये आप लोग हर जगह लगा सकते हो, हर जगह, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, ये भी सही है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट, ये भी सही है। मार्जिनल कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट, ये भी सही है। बेसिकली आपको एक जनरल रूल दिमाग में रखना है, क्या रूल दिमाग में रखोगे, हमेशा ये दिमाग में रखो कि मार्जिनल इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ टोटल। अब ये कैसे है मैं आपको ये पूरा अच्छे से प्रॉपरली समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ, राइट। बच्चे देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, ये यहां पे टेबल से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ओके, सो हियर इज द टेबल, ठीक है, इस टेबल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। देखो अब बच्चों ये हम लोग इसको कैसे समझेंगे, वेरी सिंपल, आप लोग ना यहां पे इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, और आप लोग इसको ऑब्जर्व करो, राइट। अब मेरे को अगर मार्जिन है तो मैं कैसे निकालूंगा मार्जिनल प्रोडक्ट, दिस इज वेरी सिंपल। देखो अगर सपोज मेरे को है ना मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है सेकंड यूनिट का, तो मैं कैसे निकालू, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये स्लोप वाला फॉर्मूला, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, दिस इज एक्स वन एक्स टू, दिस इज वाई वन वाई टू, ठीक है। अच्छा ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, दिस इज एक्स वन एक्स टू एंड दिस इज वाई वन वाई टू, वेरी सिंपल, बिकॉज बच्चों वाई एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं, अगेन वाई एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे व्हाट, क्वांटिटी ऑफ लेवल, सही है। तो ये हो गया एक्स वन एक्स टू और ये हो गया वाई वन वाई टू, ये कोऑर्डिनेट्स अपने, सही है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा क्या, देखते हैं। देखो यहां पे 210 माइनस 100, 210 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 110 अपॉन 1 व्हिच इज 110, सो ये अपना मार्जिनल प्रोडक्ट 110 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऐसा आप लोग कहीं पे भी करके देख सकते हो, एग्जांपल सपोज ये यहां से यहां पे, ठीक है, मेरे को मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है अगेन 8th यूनिट का, इसको मैं कंसीडर करता हूं यहां पे x1, दिस इज x2, दिस इज अगेन y1 एंड दिस इज y2, मैं फिर से निकालूंगा यहां पे तो आंसर क्या आएगा, देखो 720 माइनस 670 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आएगा आंसर अगेन व्हाट, 50, कैसे, वेरी सिंपल। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर मेरे को निकालना है क्या होगा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये क्या होगा 720 माइनस 670 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 7, तो ये आएगा अपना आंसर 50 अपॉन 1 विच इज 50, और यहां पे आंसर लिखा भी 50, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्लोप होता है टोटल प्रोडक्ट का वही है मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, तो बच्चों ये इसीलिए यहां पे इसका आंसर क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट स्मॉल ए। आई होप आपको ये बहुत सही तरीके से समझ में आया, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल अब लगेगा आपको अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, यूटिलिटी के लिए, कॉस्ट के लिए, अगेन प्रोडक्ट के लिए, एवरीवेयर यू मस्ट रिमेंबर वन सिंपल रूल, मार्जिनल इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ
टोटल। 63rd का आंसर है स्मॉल ए, विल कंफर्म दिस, यस 63rd का आंसर है स्मॉल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कौन सा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सपोज द फर्स्ट फोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट जनरेट करेस्पॉन्डिंग टोटल आउटपुट्स 200, 350, 450 एंड 500, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट इज। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, ये चार यूनिट्स हैं और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट लिखा है, टोटल आउटपुट लिखा है 200, 350, 450 एंड 500, राइट। अपने को क्या पूछा जा रहा है, अपने को पूछा जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट, एमपी निकालना है थर्ड यूनिट का, इज इक्वल टू टीपी ऑफ थर्ड माइनस टीपी ऑफ सेकेंड यूनिट। तो ये आएगा 450 माइनस 300, सॉरी 350, विच इज अगेन व्हाट, विच इज 100, सही है ना। तो इसका आंसर है स्मॉल बी, विल कंफर्म दिस, 64th का आंसर है स्मॉल बी, यस बिल्कुल सही है, राइट। तो बच्चों सिंपल आपको फॉर्मुलेज दिमाग में रखने हैं और आपके आंसर्स यहां गलत नहीं हो सकते फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ओके 65th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म, ठीक है। तो बच्चों फर्म के फिक्स्ड कॉस्ट से जुड़ा हुआ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हम लोगों को टिक करना है, ठीक बात है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं वैसे आपको डिस्कस करूंगा वो मिस्टेक क्या है, बट हम लोग ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। ओके, एज द फिक्स्ड इनपुट्स फॉर अ फर्म कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, द टीएफसी आर कॉन्स्टेंट। बिल्कुल सही बच्चों, हम लोग फिक्स्ड इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट रन में, इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्स्टेंट होते हैं, बिल्कुल सही, एक्सेप्ट व्हेन द प्राइसेस ऑफ द फिक्स्ड इनपुट्स चेंज। बच्चों ये 100% सही स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू, करेक्ट। शॉर्ट रन में फर्म के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट ही होते हैं, बराबर है, और फिक्स्ड इनपुट्स को हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते, जैसे कि मशीन, मैं चेंज नहीं कर सकता मशीन को, राइट। ओके, बट फिक्स्ड इनपुट के प्राइसेस चेंज होने से ये भी बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा बी ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। बच्चों बी ऑप्शन मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई भी करूंगा। एक काम करते हैं हम लोग सी और डी पहले पढ़ते, फिर हम लोग बी पे आते हैं, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी कैन बी डिफाइंड एज टोटल सम ऑफ कॉस्ट्स ऑफ ऑल द फिक्स्ड इनपुट्स एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन, दिस इज ट्रू, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, सारे के सारे फिक्स्ड इनपुट्स का जो भी कॉस्ट है उसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा, राइट। तो बच्चों फिक्स्ड इनपुट्स मतलब क्या, देखो मशीन है, मशीन को मैंने रेंट पे लिया है, ठीक है, तो ये रेंट का जो कॉस्ट है ये क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ऐसे में सारे फिक्स्ड इनपुट्स के कॉस्ट को ऐड करूंगा तो मेरे को टोटल फिक्स कॉस्ट मिलेगा, सही बात है। अच्छा और यहाँ पे लास्ट का लिखा है डी, इन शॉर्ट रन अ फर्म्स फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी एस्केप इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप, दिस इज ट्रू, ठीक है। देखो अगर सपोज मान के चलो मैंने प्रोडक्शन रोक दिया है, फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही है और प्रोडक्शन जीरो हुआ कोई महीने में, तो भी मेरे को रेंट उस महीने का पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज और दिमाग में रखो, फिर भी मेरे को फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ेगा, बैंक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। फैक्ट्री का प्रोडक्शन रुक गया तो भी मेरे को फिक्स कॉस्ट इनकर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट ट्रू है, अपने को फॉल्स पूछा तो ऑब्वियसली आंसर बी होगा, बट बी में एक छोटा सा करेक्शन है। क्या करेक्शन मैं आपको बताता हूँ, टीएफसी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इन द शॉर्ट रन, दिस इज ट्रू, यहां तक ये सही है, बट दे एग्जिस्ट की जगह यहाँ पे डू नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, बट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन लॉन्ग रन इवन व्हेन प्रोडक्शन इज नॉट स्टॉप्ड, अब ये होगा फॉल्स, ठीक है। बच्चों एक छोटा सा करेक्शन मेरे को लगता है कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बट दे डो नॉट लिखना यहाँ पे रह गया, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ टाइपिंग एरर, तो इसलिए हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सिर्फ 65th का आंसर इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है वो चेक करते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। यस 65th का आंसर है स्मॉल बी। 66th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। ओके, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट फोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट इज एग्जिबिटेड बाय टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस। बच्चों अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है। बच्चों ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे पता है, देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट का सीक्वेंस दिया है, राइट, हम लोगों को यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, सही बात है। देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूं, ये 50 50 50, मतलब इसका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो जीरो है, सही है। मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से हम लोगों का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बिहेव कर रहा है। ओके, फिर से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट फोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट
इज एग्जिबिटेड बाय टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस। तो बच्चों देखो यहां पे तो ये हम लोगों का टोटल प्रोडक्ट हर जगह कॉन्स्टेंट ही है, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। इधर देखते क्या है, 50 से 110 हो गया, ठीक है, तो ये कितने से बड़ा ये हम लोग चेक करेंगे, राइट। तो ये 110 माइनस 50 इज 60, ठीक है, फिर 180 और ये 170, मतलब यहां पे फिर से ये डिफरेंस जो है ये है 70, राइट, एंड देन दिस डिफरेंस 260 माइनस 80, ये डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस होगा अगेन 80, राइट, 260 माइनस 180 इज 80। तो बच्चों यहां पे 60 70 80 मतलब हम लोगों का टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा है, सो दिस इज नॉट डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स। डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स कब होगा, जब हम लोगों का टोटल प्रोडक्ट स्लोली बढ़ रहा है और यहाँ पे जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होना चाहिए, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, मार्जिन प्रोडक्ट ये देखो यहाँ पे 50, इधर फिर से है 50 और इधर फिर से है 50, इवन दिस इज नॉट द राइट आंसर। डी के केस में देखते क्या होगा, 50 से 90 हो गया मतलब ये 40 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 90 से ये 120 हुआ मतलब ये 30 से इंक्रीज हुआ है, 120 से 140 मतलब ये 20 से इंक्रीज हुआ है। इसका मीनिंग ये कि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, और जहां मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे कम होगा वही होगा हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, सही है। 66 का आंसर है इसलिए स्मॉल डी, विल कंफर्म दिस, 66 का आंसर है स्मॉल डी, यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बच्चों, देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ओके, यस, यूज द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ओके, द मार्जिनल प्रोडक्ट, the marginal physical product of the third unit of labor is dash, the MP of dash labor is negative, okay, तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे देख के ये आंसर करना है। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोगों को ग्राफ ऑब्जर्व करना है उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे, okay? Marginal physical product of third unit of labor is, देखो ये third unit of labor जो है इसका, बच्चों देखो यहाँ पे आपको इसका आंसर निकालना है, marginal product आपको पूछा जा रहा है third का क्या है, okay, this is टोटल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड। तो बच्चों देखो टोटल प्रोडक्ट तीन लेबर का मिला के कितना है, ठीक है, तीन लेबर का टोटल प्रोडक्ट है 20 माइनस दो लेबर का टोटल प्रोडक्ट कितना है, दो लेबर का टोटल प्रोडक्ट है 14। तो यहाँ दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो आएगा आंसर 6, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे आगे देखते हैं, द एमपी ऑफ डैश लेबर इज निगेटिव। बच्चों देखो अब हम लोगों का ना मार्जिनल प्रोडक्ट कौन से लेबर का निगेटिव ये निकालना है। देखो एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, जहां पे अपना टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू होगा वहां पे अपना मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव होगा, ठीक है। देखो पांचवे लेबर तक टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट है, बट जब ये सिक्स्थ लेबर आ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सिक्स्थ लेबर का टोटल प्रोडक्ट जो है वो नीचे आने की वजह से यहाँ पे इसका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा निगेटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव। हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सिक्स्थ लेबर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ sixth labor minus total product of fifth labor. What is total product of sixth labor? छह labor का total product है 20 minus total product पांच labor का कितना है? पांच का है 25. तो ये हो गया minus 5. It means what? It means यहाँ पे ये हो गया है decline, right? तो यहाँ पे इसका answer क्या होगा? इसका answer होगा ये यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ आएगा 6th, ठीक है ना? तो इसका आंसर है स्मॉल डी, 6 एंड 6, विल कंफर्म दिस आंसर एज वेल। 67th का आंसर है स्मॉल डी, 67th का आंसर है स्मॉल डी, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों क्या लिखा गया है, ओके, इन द थर्ड ऑफ द थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। बच्चों एमपी जो होता है, ठीक है, एमपी थर्ड स्टेज में क्या होगा, एमपी देखो ये एमपी का ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में एमपी यहां पे कहीं आएगा, सेकेंड स्टेज में एमपी होता है अपना जीरो और थर्ड स्टेज में होता है नेगेटिव। तो थर्ड स्टेज में एमपी का पॉजिटिव स्लोप है, ये गलत है, ठीक है, एमपी का नेगेटिव स्लोप होगा बिकॉज एमपी इज डिक्लाइनिंग, राइट, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो एवरेज प्रोडक्ट कर्व थर्ड स्टेज में, हाँ एवरेज प्रोडक्ट भी मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूँ, this is AP, this is MP, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो एवरेज प्रोडक्ट कर्व, बिल्कुल सही, AP के पूरी तरीके से नीचे थर्ड स्टेज में, यस, सो दिस इज द राइट आंसर। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, दिस इज रॉन्ग। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, टोटल प्रोडक्ट जो है वो थर्ड स्टेज में यहाँ पे जब MP नेगेटिव का तो ये
नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, दिस इज रॉन्ग। मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सीधा सीधा आंसर अपना यहाँ पे, ये दो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो बी इज द राइट आंसर। 68th का आंसर है बी, 68th का आंसर है बी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69th क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट आर बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब मैं फिर से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट आर बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट के नीचे है, ठीक है, ये इस लेवल की बात कर रहा है, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आर राइजिंग, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आर राइजिंग, ओके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात चल रही है। बच्चों देखो, ऐसे केस में ना क्या करना है, ऐसे केस में हम लोगों को ना ये चेक करना पड़ेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो बच्चों वैसे हर बार गिरता ही है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट आर फॉलिंग, यस, जब ये नीचे होगा ना इसके, तब यहां तक आप अगर चेक करोगे तो ये यहां से लेके यहां तक, जब भी ये नीचे है, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक ये नीचे ही है, ओके, किसके, एटीसी के नीचे है मार्जिनल कॉस्ट का, तो इसलिए यहां तक अगर आप देखोगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज एक्चुअली फॉलिंग, तो यहां पे अपना आंसर स्मॉल बी, ओके। एवरेज टोटल कॉस्ट आर राइजिंग, दिस इज रॉन्ग। एवरेज टोटल कॉस्ट आर मिनिमाइज, इवन दिस इज रॉन्ग। एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज कहां होता है, ये सिर्फ यहां पे एक सिंगल पॉइंट पे मिनिमाइज हो रहा है, सही है। तो इसलिए हम लोग स्मॉल बी के साथ जाएंगे, 69th का आंसर स्मॉल बी, राइट, 69th का आंसर स्मॉल बी, यस, ओके। बच्चों आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तभी आपके आंसर सही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां पे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 70, ओके, यस। अ फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज, अच्छा फिर से ये टोटल कॉस्ट कर्व की बात चल रही है बच्चों, ये मैं आपको यहां ड्रॉ करके आपको बताता हूं। ये अगेन आपको क्या करना है, छोटे छोटे शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको इस तरीके से एल ए सी मिलेगा, ठीक है। इज आइडेंटिकल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दिस इज रॉन्ग। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दोनों सेम नहीं होते, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यस, ऑल्सो इट्स लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बिकॉज इट्स इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बच्चों सप्लाई का ग्राफ और लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का ग्राफ, ये बहुत अलग होता है, ठीक है। सप्लाई का ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। एलएसी कैसा होता है, एलएसी इज अगेन यू शेप, तो ये भी गलत हो गया। लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज इन फैक्ट द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ ऑप्टिमल प्लान इन द शॉर्ट रन एज इट ट्राइज टू प्रोड्यूस द लीस्ट कॉस्ट, इवन दिस इज रॉन्ग बच्चों, ठीक है। इज टेंजेंट टू ऑल द कर्व्स ऑफ शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, ये सही है, ठीक है। बच्चों अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज एस ए सी, और जब मैं एल ए सी ड्रॉ करूंगा तो एल ए सी क्या, एल ए सी टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट मतलब क्या, टेंजेंट मतलब ये एस ए सी को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। टेंजेंट का मीनिंग क्या, टेंजेंट मतलब अगर सपोज कोई ग्राफ दूसरे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग इसको बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। तो इसका आंसर है स्मॉल डी, टेंजेंट टू ऑल द कर्व्स ऑफ शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, ये टेंजेंट है तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और तभी तो ये इस तरीके से एल ए सी ड्रॉ हो रहा है। तो इसलिए 70 का आंसर है डी, विल कंफर्म दिस, 70 का आंसर है डी, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहां क्या लिखा है। इन द लॉन्ग रन इफ अ वेरी स्मॉल फैक्ट्री वेयर टू एक्सपांड इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशंस, इट इज लाइकली दैट इट वुड इनिशियली एक्सपीरियंस, शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले एडवांटेजेस मिलते हैं, तभी तो हमारे कॉस्ट कम होंगे, उसके बाद जैसे डिसएडवांटेजेस आएंगे हमारे कॉस्ट बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनिशियली क्या एक्सपीरियंस होगा, इनिशियली इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस करने मिलेगा बच्चों, एंड इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल, नो, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बाद में आता है, पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल, इवन दिस इज रॉन्ग। 71st का आंसर है सी, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, और ये काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 71st का आंसर इसलिए सी, यस, ठीक है। 72nd क्वेश्चन पे आते हैं, ओके, यस। अ फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज, अगेन एलएसी की बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एज ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ये गलत है, मैंने अभी आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट अलग होता है, ठीक है। ऑल्सो इट्स लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व बिकॉज इट एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन द लॉन्ग रन,
गलत है ये भी बच्चों, ये एक्चुअली सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आई गेस, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके ये देखो, ये फिर से डी इसका आंसर आएगा 72nd का, अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन और 72nd क्वेश्चन इज मोर और लेस द सेम। 72nd का आंसर भी इसलिए होगा डी, 72nd का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखा है। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल क्या होता है, अगर मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं से 100% से, और अगर मेरा आउटपुट जो है वो 100% से ज्यादा परसेंट से बढ़ रहा है, से 120% से बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डबलिंग ऑफ ऑल इनपुट्स लीड्स टू डबलिंग ऑफ आउटपुट, ये हो गया कॉन्स्टेंट रिटर्न्स। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स, जितने से इनपुट बढ़ा उतने से ही आउटपुट बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग द इनपुट बाई 50% लीड्स टू 25% इंक्रीज इन आउटपुट, ये हो गया डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। इंक्रीजिंग इनपुट्स बाय 1/4 लीड्स टू इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ 1/3, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे मतलब क्या है, 25% से मैं अगर इनपुट बढ़ा रहा हूँ और मेरा 33.33% से आउटपुट बढ़ रहा है, तो मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल होगा। क्यों, क्योंकि आउटपुट का परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा है इनपुट के परसेंटेज इंक्रीज से। 73rd का आंसर इसलिए है सी। ओके 73rd का आंसर है सी, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, राइट। मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज अगेन मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज एवरेज कॉस्ट, ठीक है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 9th यूनिट ऑफ इज 20, एवरेज कॉस्ट एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट इज 15। बच्चों अब है ना क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना ये नंबर्स को यूज करने का देखते हैं, हम लोग इसको किस तरीके से यूज करें मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे 9th यूनिट जब फर्म प्रोड्यूस कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, ये हम लोग देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फर्म प्रोड्यूसिंग 9th यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज 20 एंड एवरेज कॉस्ट एट द सेम लेवल इज 15। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये कि एवरेज कॉस्ट कम है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है बच्चों। जब भी ना मार्जिनल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट कम है, देखो ये इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट के पहले तक ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इस पॉइंट के पहले तक आपको ऑब्जर्व करना है, इसके पहले तक इस साइड से आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इस पॉइंट के पहले तक क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कम है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, तभी तो एवरेज कॉस्ट ऊपर है, ठीक है। और इस पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे क्या होगा, इस पॉइंट के आगे एवरेज कॉस्ट कम है और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है। अब अपने सिचुएशन में क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो मार्जिनल कॉस्ट जब ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर फॉलिंग, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर होता है तो दोनों भी राइज हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हो, दिस इज राइजिंग इवन दिस इज राइजिंग, सही बात है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर राइजिंग, दिस इज ट्रू, तो इसलिए 74th का आंसर है बी। ये आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो, अगेन ग्राफ ड्रॉ करके सिचुएशन देखो, ग्राफ ड्रॉ करो, ऑब्जर्व करो, आपका आंसर सही आएगा, राइट। मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग एंड एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, दिस इज रॉन्ग, मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग एंड एवरेज कॉस्ट इज नॉट फॉलिंग, क्योंकि इस पॉइंट के आगे अब एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल इफ आइदर ऑफ द कर्व्स आर राइजिंग और फॉलिंग, गलत हो गया ये, इसलिए इसका आंसर है बी, 74th का आंसर है बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 75th क्वेश्चन क्या लिखा है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज। बच्चों दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, मैंने आपको बताया वैसे, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा होता है, ठीक है। मनी पेमेंट्स मेड टू द नॉन ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंड देयरफॉर नॉट एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मनी पेमेंट मेड टू द नॉन ओनर, ये गलत हो गया बच्चों, ठीक है। ओनर ऑफ द फर्म होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मनी नॉट पेड आउट टू द ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स एम्प्लॉयड फॉर सेल्फ ओन फैक्टर्स एम्प्लॉयड इन बिजनेस एंड देयरफॉर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस ये सही है। मतलब इमेजिन करो, सपोज मैं अगर कोचिंग क्लासेस का बिजनेस नहीं रन करता था और अगर सपोज मैं कहीं और जॉब करता था तो मेरे को उस जॉब से कितना पैसा अर्न
हो सकता था, ये अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसका आंसर स्मॉल बी। ठीक है, तो बच्चों ये डायरेक्टली हम लोग चेक करते हैं 75th का आंसर क्या है, राइट 75th का आंसर है स्मॉल बी, यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू, अब यहां पे मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं। तो देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत जगह पे है, बहुत जगह अलग अलग आंसर्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि मॉड्यूल का जो आंसर है उसी आंसर को हम लोग रेस्पेक्ट देंगे, राइट। तो अगर सपोज एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इंस्टीट्यूट वही आंसर को सही आंसर मानेंगे जो इन्होंने मॉड्यूल में दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इनोवेट, आपको ये लर्न करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत जगह आंसर चेंज करके दिया है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के ही बहुत सारे एमटीपी वगैरह में भी इसका आंसर अलग दिया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 76 का आंसर है स्मॉल ए इनोवेट, ठीक है 76 का आंसर स्मॉल ए। ट्राई टू यू नो रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज ये आपको एग्जाम में काफी कंफ्यूज कर सकता है, राइट 76 का आंसर इसलिए स्मॉल ए। ठीक है 76 का आंसर हम लोगों ने कंफर्म कर लिया स्मॉल ए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते बच्चों, देखते क्या लिखा है यहाँ पे। इकोनॉमिक कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज, हाँ अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक चीज फिर से बता रहा हूं। जब हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आएगा और इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आएगा, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम लोग से अकाउंटिंग कॉस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर हम लोग देखते हैं बच्चों सही ऑप्शन क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट, दोनों अलग है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड होगा। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर फॉर हायर्ड रिसोर्सेज बट अकाउंटिंग कॉस्ट डू नॉट, नो दिस इज रॉन्ग। अकाउंटिंग कॉस्ट में भी हायर रिसोर्सेज के कॉस्ट होते हैं इंक्लूड, अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज रॉन्ग। अकाउंटिंग कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आता है, ये इकोनॉमिक कॉस्ट में आता है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंडिचर फॉर हायर रिसोर्सेज व्हाइल इकोनॉमिक कॉस्ट डू नॉट, गलत हो गया। इकोनॉमिक कॉस्ट तो बड़ा टर्म है, उसमें तो सारे खर्चे आएंगे। डी क्या लिखा है, इकोनॉमिक कॉस्ट एड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फर्म व्हिच यूजेस इट्स ओन रिसोर्सेज, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है 77th का आंसर इसलिए डी, 77th का आंसर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां क्या लिखा है। 78th, इन द फिगर गिवन फिगर बिलो पॉसिबल रीजन वाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व अप्रोचेस एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एज द आउटपुट राइजेस। बच्चों देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, देखो कि इस डायग्राम में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के नजदीक क्यों पहुंच रहा है। देखो आप लोग ये देख सकते हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट के नजदीक आ रहा है, ऐसा क्यों होगा? अच्छा देखो मैं आपको इसका सिंपल रीजन बता रहा हूँ। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट जब भी हम लोग निकालेंगे तो इसमें ये और ये दोनों भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। बट बच्चों आपको एक चीज और यहां पे बताऊंगा मैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, ये गिरते ही जाएगा। इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये नीचे ही जाते जाएगा। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना ये क्या होगा, इट इज इंक्रीजिंग आफ्टर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ये आफ्टर सम पॉइंट इट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, इट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है। मतलब देखो ये नीचे आएगा और उसके बाद में ये ऊपर जाते ही जाएगा, कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ते जाएगा, राइट। दिस इज द नेचर ऑफ एबीसी। तो बच्चों आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, देखो एटीसी और एबीसी का गैप जो है वो कम क्यों हो रहा है। देखो ये एबीसी, ये है एबीसी और ये है एटीसी, दोनों का गैप काफी कम हो गया। आप लोग यहाँ गैप देख सकते हो काफी कम है, यहाँ पे शुरुआत में काफी बड़ा गैप था, बाद में गैप कम हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि एफसी कंटिन्यूअसली नीचे आते जा रहा है। अगर ये नंबर नीचे गिरता जाएगा और ये नंबर बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे दोनों का गैप काफी कम रहेगा, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिक्स कॉस्ट आर फॉलिंग व्हाइल टोटल कॉस्ट आर राइजिंग, दिस इज रॉन्ग। टोटल कॉस्ट आर राइजिंग एंड एवरेज कॉस्ट आर ऑल्सो राइजिंग, ये रीजन नहीं। हम लोगों को ये देखना है एएफसी कंटिन्यूअसली गिर रहा है, ये ऑप्शन कौन सा होगा, ये स्मॉल डी इज दी ऑप्शन।
एवरेज फिक्स कॉस्ट आर फॉलिंग एज आउटपुट इंक्रीजेस, ये कंटिन्यूसली गिर रहा है और ये बढ़ रहा है, इसलिए इन दोनों का गैप कम होते जा रहा है, राइट। 78th का आंसर है इसलिए डी, 78th का आंसर है डी, यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ओके, मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट क्यों चेंज होता है, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। बच्चों देखो, आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू से एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट, दिस इज द फॉर्मूला। अब टोटल कॉस्ट क्यों चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट की वजह से तो नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका आंसर है स्मॉल सी। ये मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था बच्चों कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज होता है, राइट, इसलिए इसका आंसर है स्मॉल सी, राइट, क्योंकि टोटल कॉस्ट में भी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही चेंजेस आते हैं। 79th का आंसर है सी, ओके, 79th का आंसर है सी, यस। 80 का आंसर क्या है, जस्ट अ मिनट बच्चों, 80 क्वेश्चन हम लोग पढ़ के देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, फिक्स कॉस्ट वेरी विद चेंज इन आउटपुट, दिस इज रॉन्ग, फिक्स कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट होते हैं। इफ वी एड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट वी गेट एवरेज कॉस्ट, नो नो नो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, नॉट एवरेज कॉस्ट, दिस इज रॉन्ग। मार्जिनल कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, टोटल कॉस्ट को हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आएगा, नॉट मार्जिनल कॉस्ट, इवन दिस इज रॉन्ग। टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन बाय एडिंग अप फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज ट्रू, ये सही है, डी ऑप्शन इज राइट। 80 का आंसर है स्मॉल डी, विल कंफर्म दिस, 80 का आंसर है स्मॉल डी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द LAC कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग कर्व, दिस इज ट्रू, ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। टोटल रेवेन्यू यानी कि हम लोग कितना सेल कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, दिस इज ट्रू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और ये क्या लिखा है, इफ टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, एक सेकेंड बच्चों, ये हाँ ये गलत हो गया, इफ टोटल रेवेन्यू, इफ टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, अगर मैं टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एवरेज रेवेन्यू मिलेगा, नॉट मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज रॉन्ग, इसलिए इसका आंसर है डी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी। 81 का आंसर है डी, यस। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। 82nd क्वेश्चन, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन TVC एंड TC इज इक्वल टू, बच्चों अगर आप लोग ग्राफ देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, दोनों के डिफरेंस को हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट ही बोलते हैं, दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज टोटल कॉस्ट। तो जो वर्टिकल डिफरेंस है ये किसके वजह से आ रहा है, ये डिफरेंस जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है। 82nd का आंसर इसलिए सी, यस दिस इज द राइट आंसर। तो बच्चों यहां पे हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के कर लिए है कंप्लीट। अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और बच्चों कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहिए, राइट। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे आपको चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू सो मच।